तो सभी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत सालों के इंतजार के बाद, 500 वर्ष के बाद ये शुभ दिन आया है, तो चलिए कुछ बनाते हैं मीठा भगवान राम के लिए, हनुमान रामचंद्र भगवान के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गुलदाना जो होता है मोटा वाला, जो बूंदी से मोटा होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी दाल सोख करके रखी, उड़द की दाल। और इसको हमें रात भर ओवरनाइट सोख करके नहीं रखना, क्योंकि उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसे हमें 3-4 घंटे के लिए ही सोख करके रखना है। तो मैंने यहाँ पर 4 घंटे के लिए इसे सोख करके रखा था, और ये इस तरह से कुछ हो गई है। अब इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे, और एक महीन सा बारीक सा हमें पीसना है इसको। अब इस तरह से हमें फाइन पीस लेना है इसको। ये आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल एकदम स्मूथ पीस गया है। अब इसको हम हाथ से बहुत ज़्यादा, कम से कम 10-15 मिनट तक फेंटेंगे। तो अब मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया, और निकाल कर इसको हमें इतना फ्लफी बनाना है कि बिल्कुल एकदम हल्की हो जाए और बहुत सॉफ्ट सी हो जाए, फूल के बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हमें जब तक इसको एक ही डायरेक्शन में इस तरह से घुमाकर इसको चलाना है, और इसको कम से कम 15 मिनट तक हमें चलाना है। तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी फ्लफी सी हो रही है। अभी हमें और भी करना है इसे, इतनी सारी हो गई है, अभी हमें और करना है थोड़ी देर तक। देख सकते हैं कितनी फ्लफी सी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है एकदम, और बहुत अच्छी बनकर तैयार हो गई दाल। तो इसको हमें एक टेस्ट भी कर सकते हैं। पानी लेंगे और इसके अंदर डालेंगे, तो ये देखिए ऊपर ही पहराएगा, यानी कि बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई दाल। अगर नहीं ये फैटी होती तो नीचे बैठ जाती। गुलदाने का कलर कुछ इस तरह से होता है, तो मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है, और इस तरह से थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। हाथ से भी बना सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये दूध की थैली। दूध की थैली को मैंने यहाँ से फाड़ दिया है इस तरह से, और इधर एक होल कर लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं छोटा सा। तो मैं इससे ही बनाऊंगी, इस होल से ही। और आप इस तरह से हाथ से भी लेके और तोड़ सकते हैं भगोड़े की तरह। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है। इसको हमें देसी घी में ही बनाना होता है, या फिर रिफाइंड में बनाना होता है। तो इसको हम ला लेते हैं, और इसमें बनाई पानी डाल दिया है, और इस पानी को बॉइल होने दूँगी। उसमें डालूँगी फिर चीनी चाशनी बनाने के लिए। डाल दिए तो मेरी खांड है जो कि सीव होती है, आप चीनी में ऐड कर सकते हैं। इसको हमें कोई चाशनी जैसा नहीं बनाना, बस एक चिपचिपा बनाना है, बिल्कुल हाथ से चिपचिप हो जाए जिस तरह से, यानी कि हमें तार की चाशनी बनानी है। ये भी गर्म हो गया तो हम इसमें डालते हैं। तो इस तरह से हमें ये डालना है, और इसको मैं नाइफ से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे काटती जाऊंगी, और ऐसे गोल गोल डालते जाएंगे। ये देखिए आप, जैसे अंगूर दाना होता है हमारा, इस तरह से गोल गोल डालना है हमें, बिल्कुल एकदम गोल गोल। देखिए परफेक्ट बन के तैयार हो रहा है। इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल गोल आएगा, और अगर हाथ से करते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मगर इस तरह से हम बनाते तो बिल्कुल देखिए कितना अच्छा शेप आ रहा है इनका, कितना अच्छा सा गुलदाना बनकर तैयार हो रहा है हमारा, गोल गोल एकदम। अगर हम इस तरह से थैली से बनाते हैं तो बहुत ही परफेक्ट साइज आता है। ये भी बनकर तैयार हो रही है। तो इसको जैसा कि मैंने बताया था, पतला ही रखना है, बस चिपचिपा बनाना है। तो अभी ये और थोड़ी देर बनेगी, तभी ये प्रॉपर बन पाएगी। अब इसे हाथ से देखते हैं, तो देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट है, जैसे मार्केट में बनता है वैसे बनकर तैयार हो गया। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, एक प्लेट में निकाल के रख लिया है। चाशनी में कम से कम 4-5 उबाल आने चाहिए, तो वैसे ही इसमें अभी आ रहे हैं और आने देते हैं, और इसे जब तक चिपचिपा नहीं होता जब तक इसे उबालते रहेंगे। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई। इसमें मैंने ग्रीन हरी इलायची थोड़ी सी डाल दी है। अब चाशनी जब हमारी ठंडी हो जाए,
तो हम थोड़ा सा गुलाब जल भी इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ी खुशबू के लिए। तो दो चार बूंदे मैंने गुलाब जल भी इसमें डाल दी। प्रसाद को मैंने चाशनी में डाल दिया है इस तरह से, और इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि सारा प्रसाद चाशनी को सोख कर ले अच्छे से। तो हमारे रामचंद्र भगवान का प्रसाद बनकर गुलदाना तैयार हो गया है। देखिए आप कितना अच्छा सा बना है, ये बिल्कुल मार्केट जैसा आप देख सकते हैं, बहुत ही कम समय में और बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से भोग लगाइए आप भी कल, और मैंने आज बना के रखा है ये कल के भोग के लिए। तो कल आप सभी को राम जन्मभूमि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड, फिर मिलूँगी एक वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए बाय बाय।